हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शवारमा रोल की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बड़ा सा बाउल। इसमें मैं डाल दूँगी 3 कप मैदा, 1 टेबल स्पून यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट है ये, और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, ये सब हमने ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध। दूध मैंने लिया है थोड़ा सा वार्म है ये, मैंने लिए हैं 2 कप। इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और अच्छी तरह से आटे को गूंद लेना है। हमने बहुत ही हार्ड नहीं गूंदना और बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं कर लेना है। बस ये जो दूध मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे हमने आटा गूंद लेना है। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, ये मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है और ये 1 टेबल स्पून है, ये हम इसमें डालेंगे और इसको दोबारा से गूंदेंगे आटे को, जो हमने तकरीबन गूंदना है 10 मिनट के लिए। अब ये देखें जी, डो हमने अच्छी तरह से गूंद ली है, तो बस अब इसको हल्का हल्का सा ऑयल लगा कर हम इसको कर देंगे कवर और 30 मिनट के रेस्ट पर रख देंगे, जब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ले लिया है चिकन 500 ग्राम्स और इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है इस तरह से लंबा लंबा। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 लेमन का जूस, ये हमने इसमें सारा ही स्क्वीज करके डाल देना है, पूरा 1 लेमन। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, इसे भी हम 30 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ गाजरें। गाजरें आप देख सकते हैं कि मैंने बारीक लंबी लंबी काट ली हैं, ये मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 कप, और इसको हल्का हल्का सा हमने कुक करना है क्योंकि गाजरें थोड़ी हार्ड होती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये शिमला मिर्च है, ये एक बड़ा सा शिमला मिर्च मैंने कट कर लिया है लंबाई में, और सेम क्वांटिटी में बंद गोभी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मैंने थोड़े थोड़े मोटे काट लिए हैं क्योंकि बंद गोभी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हल्का हल्का सा हमने कुक कर लेना है। वेजिटेबल्स को हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस जस्ट 1 टेबल स्पून में ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, और ये 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। हमने बेसिकली इनको हल्का सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, और ये हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैं सॉस रेडी करने लगी हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप मेयोनीज, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून केचप। आप चिली गार्लिक ले लें या फिर सिंपल केचप, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ऊपर से, और ये 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये ऑरिगेनो पाउडर, ये भी सेम क्वांटिटी में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के जितना, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, ये मैंने शुगर इसमें डाल दी है 1 टेबल स्पून, और इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और ये हमारी सॉस जो है वो बिल्कुल हो गई रेडी। तो इसको भी हम करेंगे साइड पे। अब यहाँ पे देखें जी, 30 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा रेडी है, तो चलते हैं इसको कुक करने की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और बस इस चिकन को ऐड करने के बाद हमने इसको कुक कर लेना है ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट के लिए। लेकिन अभी इसको हल्का हल्का सा कुक करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक किया है, और ये चिकन हमारा जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है, इसको हमने फुल ड्राई कर लेना है, और ये चिकन हमारा रेडी है। और ये देखिए जी, 30 मिनट हो चुके हैं, डो को भी हमने अच्छी तरह से रेस्ट दे दिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डो जो है वो भी बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी सी हो गई है, तो इसको भी हमने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से दोबारा से गूंद लेना है। और ये देखिए किस कदर हमारी जो है डो
सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी बनी है। अब इसमें से एक पेड़ा निकाल लेंगे और यहाँ पे मैंने मैट पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ पेड़ा और इसको हमने अच्छा सा एक पेड़ा बनाने लेना है जिसे हम रोटी का बनाते हैं। और बस सिंपल से हमने इसको रोटी की तरह बेल लेना है, थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे ताकि तवे पे डालने के साथ साथ ये जो है वो सुकड़ नहीं जाए, क्योंकि जैसे ही हम इसे तवे पे डालेंगे ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी सुकड़ जाती है। बस तवा हमारा गर्म था तो इसको हमने डाल दिया तवे पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट जैसे ही होंगे तो हम इसको पलट लेंगे। इस पीटा ब्रेड को पकने में 2 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है। ये देखिए हमने एक साइड पलट ली है और इसी तरह से हमने इसको भी ऐसे ही पलट पलट के पका लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको एक साइड पे नहीं रखेंगे, बस 10 से 20 सेकंड एक साइड पे, 10 से 20 सेकंड दूसरी साइड पे, और इसी तरह से करते हुए हमने इस पीटा ब्रेड को पका लेना है। फ्लेम को हमने बहुत ही हाई स्पीड पर नहीं रखना, मीडियम स्पीड पर रखेंगे ताकि तवा जो है वो एकदम से गर्म ना हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी पीटा ब्रेड रेडी है। दोनों ही साइड से हल्का हल्का सा गोल्डन कर लेना है हमें इसे, और बस अब हम इसको उतार लेंगे और ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी पीटा ब्रेड बनकर रेडी है। इसी तरह से बाकी की भी रेडी कर लेंगे। और ये देखिए हमारी पीटा ब्रेड्स भी रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट सी। आप इसको वैसे ही किसी चीज़ के साथ भी खाएँ, बहुत ही मज़े की लगी है। और ये अब सारी चीज़ें रेडी है तो चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। अब इसको उल्टा करके रख देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे सॉस जो कि हमने रेडी की थी। ये सॉस हमने अच्छी तरह से फैला कर लगा लेनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे वेजिटेबल्स सेंटर में, और आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी वेजिटेबल्स पसंद करते हो आप रख सकते हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन जो कि हमने रेडी कर लिया था। अब इस चिकन के ऊपर हम दोबारा से थोड़ी सी सॉस डालेंगे और दैट्स इट, हमारी जो है पलिंग रेडी है। तो बस इसको इसी तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर जो है वो हम लगा देंगे इस तरह से स्टिक, और बस इसी तरह से हम बाकी के रोल्स भी रेडी कर लेंगे। और ये देखें जी हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही शानदार तरीके से चिकन शवरमा रोल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। मैंने ऑलमोस्ट 7 रोल्स रेडी किए थे, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं घर में बहुत ही आसानी के साथ और बिल्कुल कम बजट में। तो इंतज़ार किस चीज़ का है, जाएं और बनाएं, और मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का साथ भी इसको लास्ट भी शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।